गाइज, अगर आप Redmi Note 10s यूज़ करते हो भाई इंडिया में, तो भाई आज की डेट में नया अपडेट जो वो Redmi Note 10s के लिए इंडिया में रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इस अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई 14.0.3.0 है, जो कि 552 MB का यहाँ पर आज की डेट में, जस्ट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी ही यहाँ पर रिलीज़ किया गया है इवनिंग के टाइम में। और इस अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने डिवाइस में इसको जो है फ्लैश कर लिया। और इस वीडियो में मैं आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ, क्या फीचर्स हैं और क्या ऑप्टिमाइज हैं। यहाँ पर गूगल डायलर की जगह जो है एमआई डायलर आया है, और यहाँ पर और जो मैसेज था एमआई मैसेज वगैरह और क्या क्या यहाँ पर नया मिला, तो मतलब काफ़ी सारे चेंजेस इस अपडेट में आपको मिलते हैं। और इसको आप कैसे यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं, तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए भाई। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेडमी नोट 10s यूज़ करते हैं तो आगे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। यार इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, मुझे पता है कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं कि भाई इस अपडेट में हमें क्या फीचर्स क्या ऑप्टिमाइजेशंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे और चेक करेंगे कौन सा अपडेट यहाँ पर आया है। अभी आप देखोगे यहाँ पर 14.0.3.0 है, इंडिया का साइन मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर फ्लैश अभी कर लिया है। मैं बीटा टेस्टर हूँ, मुझे अपडेट मिल गया था। हालांकि एक मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पर चिराग भाई, उनकी आईडी थी, उससे मैंने इसको जो है फ्लैश किया है। आपके पास भी किसी फ्रेंड की आईडी है तो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 14.0.3.0 जो है वो इंडिया में रिलीज़ किया है। ये भी अपडेट आपको एंड्रॉयड 13 के साथ ही मिलता है, क्योंकि अभी एंड्रॉयड 14 का अपडेट आया भी नहीं है, और इस डिवाइस को एंड्रॉयड 14 मिलेगा भी नहीं, लेकिन एंड्रॉयड 13 आपको यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको मई 23 का जो सिक्योरिटी पैच है आपको वो देखने को यहां पर मिल जाता है, जो कि भाई काफी सही चीज है, क्योंकि इसी टाइप के जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस अपडेट में यार काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस और काफ़ी बड़े ऑप्टिमाइजेशंस मिलते हैं। तो सबसे बड़े ऑप्टिमाइजेशन और चेंजेस की मैं बात करूँ तो फाइनली इस अपडेट के अंदर आपको यहाँ पर MI का जो मैसेज है वो देखने को यहाँ पर मिल चुका है। अभी आप देख सकते हो ये जो MI का मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। फिलहाल मैंने इसका जो सेटअप है वो कर लिया है। तो यार ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ और काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें गूगल डायलर की, तो भाई यहाँ पर जो डायलर है वो MIUI का अभी भी नहीं आया है, क्योंकि MIUI मैसेज आ चुका है MI का मैसेज, यानी कि इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट की है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगी। लेकिन स्टिल अभी भी इस अपडेट में आपको जो है वो गूगल डायलर ही देखने को मिल रहा है, MIUI का डायलर जो है वो अभी भी देखने को नहीं मिला है। देखते हैं कि भाई कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हाँ इस अपडेट में आपको MI का जो मैसेज है वो देखने को मिल गया है, लेकिन अभी गूगल का जो डायलर है वो चल रहा है, MI का डायलर अभी यहाँ पर नहीं आया है, तो ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है। अभी यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट फीचर की करूँ कि काफ़ी सारे डिवाइसेज में जो फ्रंट कैमरे हैं वो डेड हो रहे हैं, इस फ़ोन में अगर कोई ऐसी दिक्कत या एक्टिविटी है तो हम एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो हम फ्रंट कैमरा देखेंगे तो भैया परफेक्टली आप देख सकते हो, कोई भी इशू और कोई भी एरर नहीं है, फ्रंट कैमरा परफेक्ट काम कर रहा है। इवन यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स वगैरह की बात करूँ तो कुछ नए फीचर्स भी मिलेंगे देखने के लिए, ओरिएंटेशन वगैरह क्या फीचर्स हैं वो नए यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर कैमरा मोड भी आपको मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे प्रोफेशनल के जो न्यू मोड्स हैं वो मिलेंगे ब्यूटीफुली है, और AI का जो कैमरा है वो भी मिलता है। फिलहाल मैं इस मोड को एक्टिवेट कर देता हूँ। इवन यहाँ पर एंटी वेडिंग वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो नए फीचर्स हैं वो कैमरा सेक्शन में मिलेंगे। वीडियो पर अगर आप शिफ्ट करोगे तो वीडियो सेक्शन के अंदर आपको सेटिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर 4K का जो सपोर्ट है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिला हुआ है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेटिंग सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर 3 मिनट वाला जो स्क्रीन शॉट का फीचर है वो देखने को मिलता है। अलाउड टैगिंग वीडियो का जो फीचर है वो मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है और आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो कैमरे के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को नई यहाँ पर मिली हैं। और गैस उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो भाई अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो ब्लर वाला फीचर तो मिलता है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम भी अब यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो फीचर है वो ग्लोबल में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, काफ़ी सारे अपडेट्स से मिला है, बट यहाँ पर इंडिया में नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पर आ चुका है। इवन अगर आप चाहो तो इसकी इंटेंसिटी भी घटा बढ़ा सकते हो, जो कि भाई काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये ऑफिशियल जो फीचर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सेटिंग के बारे में, क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि मैंने अभी इसको एक्सेस नहीं किया है, क्योंकि जस्ट नाउ मैंने इसको अपडेट किया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेटस में, अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देख लेते हो कोई अपडेट आया या नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर भी एक अपडेट जो वो नया देखने को मिलता है। तो हालाँकि अभी यहाँ पर मई का जो अपडेट है वो ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पर अभी नया अपडेट नहीं आया, आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह की, तो यहाँ पर एक बार हम टाइमर चेक कर लेते हैं यहाँ पर कुछ नया टाइमर जो वो ऐड हुआ है नहीं। तो अभी भी आप देखोगे स्टिल यहाँ पर 10 सेकंड वाला ही टाइमर चल रहा है, जो कि यार काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है। एटलीस्ट यहाँ पर 1 मिनट तो Xiaomi को कर ही देना चाहिए, जो कि अभी तक Xiaomi ने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की, तो भाई यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ब्रांड न्यू
जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़। एडिशनल कार्ड में जाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फीचर्स को शाओमी ने रिमूव किया है, स्मार्ट होम ही यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि बस एवरेज ही है। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ फीचर्स आप ऐड यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं होम स्क्रीन की बात करूँ तो भाई होम स्क्रीन में यहाँ पर आप जाओगे तो ये वाले जो ऑलरेडी फीचर्स आप जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिले हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर कोई मुझे चेंज देखने को नहीं लग रहा है। हालांकि कुछ फीचर्स तो और भी ऐड किए हैं, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये सारे फीचर्स में अब काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अभी भी ये सारे फीचर्स में काम, इसका जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो सारे फीचर्स में काम नहीं कर रहा है। ये एक डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है, क्योंकि Xiaomi को यार ये चीज़ तो एटलीस्ट ऐड करना चाहिए थी। वॉलपेपर में जाओगे तो यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड है वो चेंज कर दिया और कुछ नए वॉलपेपर्स भी अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि भाई देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कैटेगरी वाइज इनको जो है वो डिफाइंड यहाँ पर Xiaomi ने कर दिया है। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे जो नए वॉलपेपर्स हैं वो Xiaomi ने ऐड कर दिए। आप देख सकते हैं ये सब UI 14 के नए वॉलपेपर्स हैं, अभी आपको यहाँ पर इस अपडेट में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे। उसके बाद ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ और फीचर्स की, थीम में जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइव टाइल 3D थीम्स अब आपको मिलती हैं, डाउनलोड आप यहाँ से कर पाओगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मुझे कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ओल्ड वाला जो सेक्शन है वो देखने को यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाईफाई और प्रूफ रिक्वेस्ट का जो फीचर है वो मिलता है। हालांकि ये जो है वो भी काम तो मुझे करता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यार ये फीचर काफ़ी अच्छा है। डुअल वाईफाई वाला जो फीचर है वो अभी तक तो नहीं मिला है। सेफ्टी एंड एमरजेंसी सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर भी मुझे कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, ओल्ड वाला ही सेक्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पर बस एवरेज है। उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन में तो इसका भी ओल्ड लेआउट है। बैटरी सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर भी जो स्पेशल फीचर्स जो आते हैं वो नहीं मिले हैं, जो कि परफॉर्मेंस मोड वगैरह है वो अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो यार Xiaomi ने मतलब यहाँ चीज़ें जो है वो ऐड की हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खास चीज़ें ऐड नहीं की हैं। एडिशनल सेटिंग में अगर आप जाओ तो यहाँ पर चेंजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर फीचर्स वगैरह यानी कि क्लियर स्पीकर वगैरह का जो फीचर है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बार आप इसको जो है वो कर लेना, तो यहाँ पर ये चीज़ जो वो सही तरीके से काम करती है इस तरीके से। तो ये स्पीकर को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चेक कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो में साइड बार में जाओगे तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं। हम एक बार चेक करेंगे यहाँ से तो फ्लोटिंग विंडो जो है वो कितने फीचर्स पे काम कर रही थी। एक विंडो हमारी ओपन हो चुकी है, हम दूसरी विंडो भी ओपन कर लेते हैं। दूसरी विंडो भी ओपन हो चुकी है, अभी हम तीसरी विंडो ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर काम करेगी नहीं करेगी। तो भैया अभी भी स्टिल दो विंडो वाला ही काम चल रहा है। तीन विंडो का जो सपोर्ट है वो अभी भी Xiaomi ने यहाँ पर नहीं दिया, जो कि भाई डिसअपॉइंटिंग, एटलीस्ट मुझे तो लगा कि डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है। और यहाँ पर आपको जो है 5GB 3GB और 2GB यानी कि 2, 3 और 5GB का जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। बहुत सारे डिवाइसेस में पहले नहीं मिला था, बट अब यहाँ पर ये चीज़ जो वो Xiaomi ने ऑफिशियल क्लियर कर दी और यहाँ पर देखने को भी मिली। सेकंड स्पेस भी यहाँ पर आ चुका है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल ये मैंने गलत कर दिया है, फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। सो गाइस ये अपडेट काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी अभी इसके बहुत सारे टेस्ट होंगे, यहाँ पर थ्रॉटल टेस्ट भी होगा, उसके बाद और भी काफ़ी सारे चार्जिंग वगैरह टेस्ट होंगे, गेमिंग टेस्ट भी होंगे। लेकिन ये जो अपडेट है वो अभी यहाँ पर सारे यूज़र्स के लिए रिलीज़ नहीं किया गया, कुछ सेलेक्टेड यूज़र्स को ही देखने को मिला है, क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी सारे लैग हैं और काफ़ी सारे बग्स भी हमें देखने को यहाँ पर मिले हैं। अब हम इसके सारे टेस्ट करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट लुक जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो भी जो हिडन फीचर हैं उनके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट होंगे। लेकिन अगर आप इसको अपडेट को करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, क्योंकि ये अपडेट जो वो MI टेस्टर्स के लिए आया, अभी सारे यूज़र्स को नहीं मिला है। अगर आप MI पहले टेस्टर नहीं हो तो भाई आप 1 वीक का वेट करो। अगर आप MI पहले टेस्टर हो तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इसको फ्लैश भी यहाँ से कर सकते हो। सो गाइस इसका फुल फीचर रिव्यू आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें सारे टेस्ट वगैरह हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे, फीचर्स के बारे में भी देखेंगे, और आपको फुल फीचर रिव्यू जो आपको चैनल पे काफ़ी जल्द मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे Redmi Note 10S के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।